बेमतलब वीरभूमि का चक्कर करते हैं। आइए आइए, राजस्थान पुलिस के 3 अधिकारी, आइए आइए, स्वागत है आपका। मैंने पुलिस सामने से गुजर जाए तो मैं सोचता हूँ कुछ हो लिया। बड़ी वीर पुलिस है राजस्थान की, बहुत अच्छी है। कप्तान साहब बैठे नहीं, आ रहे होंगे, व्यवस्था बना रहे होंगे। लेकिन अच्छा है, राजस्थान पुलिस का आभारियों को भीड़ में यहाँ तक लाए, लेके भी जाएंगे। लेकिन पुलिस में भी आप हमसे पीछे हो। यूपी पुलिस जैसी संस्कारी पुलिस कहीं नहीं है, बहुत शरीफ पुलिस, जो दे दो रख लेती, मतलब किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करते आप। नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी सभ्य और शालीन है कि अपराधी के घर नई फॉर्च्यूनर लेके जाती है, कहती है सर बैठिए। अपराधी कहता ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा पर गाड़ी में नहीं बैठूंगा, क्योंकि पता नहीं गाड़ी कब पलट जाए। पहली 4 पंक्तियां सुना रहा हूं ऐसा मैं पिछले 20 मिनट से कह रहा हूं, जब तक आप सब ताली नहीं बजाएंगे यही करता रहूंगा एक साथ। कि मैं अपने गीत गजलों से, इधर अच्छा मोहल्ला है, तुम लोग थोड़ा डल हो, है जानता हूं, लेफ्ट में आजकल जान नहीं है, राइट में ज्यादा उधम हो रहा है, लेकिन आप भी थोड़ा कुछ करिए बेटा, बैठ जा, चला जा पीछे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत मत डाल बेटा। तूने गीत गजलों से, ईगो थोड़ी कम बेटा, ईगो इसलिए कम कराता हूँ कि जो हमारे आमिर भाई हैं, इनको एक बार दिक्कत हो गई थी ईगो में, इनके मुंह से किसी गजल के चक्कर में तलाक निकल गया। 3 बार आ गया, इसे बोलने की जरूरत थी यार। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह करो, पहली बार आया हूँ, सिखा रहा हूँ, जब मैं बोलूँ समझ में आया ना आए वाह करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते करने से होता है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। तुम क्या आए नहीं हो, मंगाए गए हो क्या, या उन्होंने ठेका ले रखा तुम्हारा? देखो सोफे में बैठे हुए लोगों, कुछ काम खुद करने पड़ते हैं, इसमें पड़ोसी मेहनत नहीं करता है। तो थोड़ा आप भी करो, एक तो वैसे ही मेला है, कोई गुब्बारे उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस बीच में हम कविता सुना रहे हैं। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। जिंदगी में मैं अभी अंधेरा गिर जाए, कभी संकट आ जाए, तो जालौर के लोगों 2 पंक्तियां जवानों के नाम देके जा रहा हूँ।